उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम बीए सेकंड सेमेस्टर जिसका नाम अनुसंधान हेतु सांख्यिकी और कंप्यूटर के अनुप्रयोग भाग एक है, इसकी हम शुरुआत करने जा रहे हैं। इसकी जो पहली इकाई है उसका नाम है सांख्यिकी। आज हम इस इकाई के बारे में विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले इस इकाई के अंतर्गत हम जानेंगे सांख्यिकी का अर्थ क्या होता है। सांख्यिकी की परिभाषाओं को हम इसके अंतर्गत समझने का प्रयास करेंगे। सांख्यिकी का अर्थशास्त्र से क्या संबंध है इसके बारे में हम बात करेंगे। सांख्यिकी का महत्व या इसकी उपयोगिता क्या क्या होती है हम आपके साथ ये डिस्कस करेंगे। और अंत में हम डिस्कस करेंगे सांख्यिकी की कुछ आधारभूत अवधारणाओं के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सांख्यिकी के अर्थ की। जो सांख्यिकी शब्द है ये लैटिन भाषा के स्टेटस या इटालियन भाषा के स्टैटिस्टा शब्द से बना है। सांख्यिकी का जो शाब्दिक अर्थ होता है ये संख्याओं से संबंधित शास्त्र या विज्ञान है। सांख्यिकी मुख्य रूप से मात्रात्मक आंकड़ों के संकलन, विश्लेषण और प्रस्तुतिकरण से संबंधित है। यहाँ पर मात्रात्मक आंकड़ों से हमारा तात्पर्य ऐसे आंकड़ों से है जिन्हें हम संख्या के रूप में या जिनकी हम गणना कर सकते हैं, ऐसे आंकड़े मात्रात्मक आंकड़े कहलाते हैं। सांख्यिकी का उपयोग अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, इंजीनियरिंग आदि कई अन्य क्षेत्रों में भी इसका उपयोग आजकल किया जाता है। स्टैटिस्टिक्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जर्मन विद्वान गॉटफ्राइड एकेनवॉल ने वर्ष 1749 में किया था। इन्हें सांख्यिकी का जन्मदाता भी कहा जाता है। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आपके असाइनमेंट में पूछे जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। आगे देखते हैं। ज्ञान विज्ञान की किसी शाखा से संबंधित आंकड़ों को संख्याओं के रूप में संकलित कर प्रस्तुत करने, उनका वैज्ञानिक विश्लेषण करने और उनसे तर्कपूर्ण निष्कर्ष निकालने की क्रियाओं का विधिवत अध्ययन सांख्यिकी के अंतर्गत किया जाता है। अब हम बात करते हैं सांख्यिकी की परिभाषाओं की। अगर हम व्याकरण के अनुसार देखें तो सांख्यिकी शब्द का प्रयोग मुख्यतः दो प्रकार से किया जाता है। पहला बहुवचन में और दूसरा है एकवचन में। बहुवचन में इसका अभिप्राय किसी निश्चित उद्देश्य से एकत्रित या संकलित मात्रात्मक आंकड़ों से होता है, जबकि एकवचन में इसका अर्थ सांख्यिकीय विज्ञान से होता है जिसमें आंकड़ों के संकलन, प्रस्तुतिकरण, वर्गीकरण आदि सांख्यिकीय विधियों का अध्ययन किया जाता है। सांख्यिकी परिभाषाओं को हम दो प्रकार से समझेंगे, एकवचन रूप में, बहुवचन रूप में। एकवचन रूप में हम परंपरागत दृष्टिकोण के बारे में जानेंगे और दूसरे में हम जानेंगे आधुनिक दृष्टिकोण के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं बहुवचन के रूप में सांख्यिकी की परिभाषा की। बहुवचन के रूप में सांख्यिकी का अर्थ मात्रात्मक आंकड़ों से होता है, जैसे जनगणना के आंकड़े या किसी क्लास में रजिस्टर्ड जो लर्नर्स हैं इनकी संख्या के आधार पर आदि, इस प्रकार के उदाहरण हैं। क्योंकि इन्हें हम, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इन्हें हम काउंट कर सकते हैं, मात्रात्मक आंकड़ों को हम काउंट कर सकते हैं। बहुवचन के रूप में सांख्यिकी कुछ परिभाषाएं हैं, जिसे बाउले के अनुसार सांख्यिकी का आशय अनुसंधान के किसी विभाग में संख्यात्मक तथ्यों के समूहों से है जो एक दूसरे से संबंधित रूप में प्रकट किए जाते हैं। दूसरी इसकी परिभाषा है यूल और केंडाल की, जिसके अनुसार सांख्यिकी से हमारा आशय ऐसे संख्यात्मक तथ्यों से है जो एक बड़ी सीमा तक अनेक कारणों से प्रभावित होता है। इसकी तीसरी परिभाषा एच सैक्रिस्ट ने दी है, जो कहते हैं कि सांख्यिकी से हमारा आशय तथ्यों के उस समूह से है जो एक बड़ी सीमा तक अनेक कारणों से प्रभावित होते हैं, संख्याओं के रूप में रखे जाते हैं, जिनकी गणना या अनुमान शुद्धता के एक उचित स्तर तक की जाती है, जिन्हें पूर्व निश्चित उद्देश्यों के लिए क्रमबद्ध रूप में एकत्रित किया जाता है एवं एक दूसरे से संबंधित रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो ये तो थी हमारी बहुवचन के रूप में सांख्यिकी की कुछ परिभाषाएं। अब हम बात करेंगे एकवचन के रूप में सांख्यिकी की परिभाषाओं की। इस वर्ग की जो परिभाषाएं हैं इनको परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण के हिसाब से दो उप शीर्षकों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे परंपरागत दृष्टिकोण की। परंपरागत दृष्टिकोण की परिभाषा जो है ये संकीर्ण परिभाषाएं मानी जाती हैं, जैसे बाउले ने इसको तीन प्रकार से परिभाषित किया है। पहला, बाउले कहते हैं कि सांख्यिकी गणनाओं का विज्ञान है। पहली परिभाषा में अगर आप देखेंगे तो सांख्यिकी को केवल
गणना करने तक की विधि बताया गया है, लेकिन सांख्यिकी केवल गणना तक ही सीमित नहीं है। इसमें आंकड़ों का विश्लेषण होता है, आंकड़ों को प्रस्तुतिकरण के तरह यूज़ किया जाता है, और आधी विधियों में इसका, इस परिभाषा में इन विधियों का अभाव दिखता है। तो ये कहना गलत है कि सांख्यिकी केवल गणनाओं का विज्ञान है। बाउले ने जो दूसरी परिभाषा दी है उसके हिसाब से सांख्यिकी को उचित रूप से माध्यों का विज्ञान कहा जाता है। इस प्रकार जो द्वितीय परिभाषा हमारी है इसमें सांख्यिकी को केवल माध्यों का विज्ञान कहा गया है, जबकि इसमें माध्यों के अलावा सहसंबंध, विषमता, अपकिरण, सूचकांक आदि अनेकों सांख्यिकीय विधियों का उपयोग भी होता है। बाउले की तीसरी परिभाषा जो है वो ये है कि सांख्यिकी वह विज्ञान है जो सामाजिक व्यवस्था को संपूर्ण मानकर उसके सभी रूपों का मापन करती है। तृतीय परिभाषा में सांख्यिकी का जो क्षेत्र है ये मनुष्य और उसकी सामाजिक क्रियाओं तक ही सीमित किया गया है, परंतु वर्तमान समय में आप देखेंगे कि जो सांख्यिकी का उपयोग है ये भौतिक विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, शिक्षा शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र आदि में भी होता है। अब हम बात करेंगे आधुनिक दृष्टिकोण की परिभाषाएं। आधुनिक दृष्टिकोण की जो परिभाषाएं हैं ये ब्रॉड हैं या व्यापक हैं, और इसमें विभिन्न विधियों को सम्मिलित किया गया है। सबसे पहली परिभाषा हम इसमें देखेंगे वालिस और रॉबर्ट्स की। इनके अनुसार सांख्यिकी रीतियों का एक समूह है या विधियों का एक समूह है जिसमें अनिश्चितता की परिस्थिति में बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय लिया जा सके। इसकी दूसरी परिभाषा है याचलुन चाऊ की। इनके अनुसार सांख्यिकी निर्णय की एक विधि है जिसमें संख्यात्मक आंकड़ों एवं गणना की जाती है, जोखिम के आधार पर अनिश्चितता की स्थिति में निर्णय लिए जाते हैं। इसमें तीसरी परिभाषा लॉरेंस लॉपिन की है, जो ये कहते हैं कि सांख्यिकी ऐसी रीतियों एवं सिद्धांतों का समूह है जिनका प्रयोग संख्यात्मक प्रमाणों पर समय किया जाता है, जबकि अनिश्चितता की दिशा में निर्णय लिया जाता है। सांख्यिकी की विभिन्न परिभाषाओं का अध्ययन करने के बाद हम कंक्लूजन के रूप में ये कह सकते हैं कि सांख्यिकी विज्ञान और कला दोनों है, जो ज्ञान या अनुसंधान के किसी भी क्षेत्र में निश्चित उद्देश्य के लिए मात्रात्मक आंकड़ों के संकलन, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण और पूर्वानुमान में प्रयुक्त सिद्धांतों एवं विधियों के अध्ययन या प्रयोग से संबंधित है, जिससे अनिश्चितता की स्थिति में ठोस एवं विवेकपूर्ण निर्णय लिया जा सके। अब हम बात करेंगे सांख्यिकी का अर्थशास्त्र से क्या संबंध होता है। देखिए, प्राचीन काल में सांख्यिकी और अर्थशास्त्र के बीच कोई संबंध नहीं था, क्योंकि न तो अर्थशास्त्र में ही और न ही सांख्यिकी इतना अधिक विकसित हुआ था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया सांख्यिकीय आंकड़ों का प्रयोग राजनीतिक दृष्टिकोण में अवश्य किया जाता था। आर्थिक क्रियाओं से संबंधित अध्ययन के विकास के साथ साथ अर्थशास्त्र में आंकड़ों के संकलन एवं सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग बढ़ने लगा। वर्तमान समय में अगर आप देखें तो किसी भी आर्थिक आंकड़ों की व्याख्या करने के लिए संकलन, प्रस्तुतिकरण एवं उनके विश्लेषण में सांख्यिकीय विधियों का अधिक प्रयोग किया जाता है। अब आज अर्थशास्त्र के स्पष्टीकरण के लिए सांख्यिकी का प्रयोग अनिवार्य हो गया है। इसलिए कहा गया है कि आज बिना सांख्यिकी की सहायता के अर्थशास्त्र का ज्ञान अधूरा है। अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का प्रयोग सर्वप्रथम ग्रेगोरी किंग ने 17वीं शताब्दी में किया था। इन्होंने वस्तुओं की कीमत एवं पूर्ति के बीच संबंध का पता लगाने हेतु सांख्यिकी का प्रयोग किया था। इसके पश्चात 19वीं शताब्दी में जेवोन्स, लेस्ली आदि अर्थशास्त्रियों ने 20वीं शताब्दी में मार्शल, कीन्स और पेरेटो आदि कई अर्थशास्त्रियों ने सांख्यिकी का उपयोग अर्थशास्त्र में करना प्रारंभ किया। अर्थशास्त्र में माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत अर्थशास्त्र में सांख्यिकी के प्रयोग का एक नवीनतम उदाहरण है। माल्थस ने इंग्लैंड की बुरी आर्थिक दशा का अध्ययन किया और उन्होंने बताया कि खाद्यान्न की वृद्धि दर जो है ये अंकगणितीय दर से होती है एवं जनसंख्या वृद्धि ये रेखागणित दर से बढ़ती है। अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही एक नए विषय अर्थमिति, जिसे इकोनोमेट्रिक कहते हैं, इसका भी प्रारंभ हुआ। इस विषय में सांख्यिकी और गणित के प्रयोग से आर्थिक नियमों की जो है वो जांच की जाती है। तो आज के इस पहले जो हमारा लेक्चर है इसमें फ़िलहाल इतना ही।
इसकी जो दूसरी पार्ट आएगी उसमें हम सांख्यिकी का महत्व जानेंगे और जो आगे के हमारे टॉपिक रह गए थे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।